हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग कहूँ कि नाइट कहूँ, क्या कहूँ? आज ना मैं 5, 5:30 बजे से ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ, नाश्ते से। शाम का नाश्ता जैसे पापड़ और चाय सब्जी जब आई थी तब से शुरू किया है मैंने। इवनिंग ही है, नाइट तो नहीं है, लेकिन अभी नाइट का खाना बन रहा है ये लौकी की सब्जी और रोटी। आज ना लौकी की सब्जी बनाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं भगोने में बना रही हूँ और भगोने में ना बहुत जल्दी जलता है, मतलब नीचे लग जाता है। फ़िलहाल कोशिश करके मैंने बना ली है भगोने में सब्जी और गर्मा गर्म रोटियाँ। खाती हूँ, सो जाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से सीधे मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आज ना सफाई अभियान हो रहा, मतलब घर अभी तक मैंने साफ़ किया, अब गेहूँ साफ़ कर रही हूँ, मतलब फुल सफाई अभियान आज चालू है, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोगों ने मुझे कहा है कमेंट करके, खैर शिकवा शिकायत तो मैं नहीं कर सकती आप लोगों से, क्योंकि आप ना मेरे व्यूवर्स हो, मेरे दोस्त हो, मेरी फैमिली हो। क्यों? क्योंकि आप सब मुझसे जुड़े हुए हो। मैं अगर वीडियो डालती हूँ तो आप लोग देखते हो ना, तो आप मेरे एकदम से सगे संबंधी जैसे हो। क्यों? क्योंकि डेली हम एक दूसरे से मिलते ही मिलते हैं यूट्यूब के थ्रू, है ना फ्रेंड्स? तो जो अपने होते हैं ना, उनकी कड़वी बातें भी हमें सुननी चाहिए, सुन लेनी चाहिए, क्योंकि जो अपना होता है ना वही कड़वी बातें बोलता है, वही हमें चाहता है कि ये अच्छे बन जाएं। क्योंकि कड़वी बातें हमेशा, कोई इंसान अगर कम अच्छा काम कर रहा है उसे कड़वी बातें सुनाओगे ना, अगर समझदार होगा तो उन कड़वी बातों को वो अपने अंदर समझेगा कि अगर ये कड़वी बातें कोई हमसे बोल रहा है तो ज़रूर हम में कोई कमी है। तो रियल में मेरे ब्लॉग के थ्रू किसी ने कहा कि आप शांत रहा करो, आप बोलती बहुत, तो आप शांत रहोगे तो आपके वीडियो वायरल होंगे। तो थैंक यू सो मच डियर, ये ट्रिक तुमने मुझे दिया, हम इसे ज़रूर फॉलो करूँगी। मैंने हमेशा कहा है ना, मैं कोई भी बात आप लोगों की नेगेटिव थ्रू से नहीं लूँगी, मैं हमेशा उसमें कुछ पॉजिटिविटी ढूँढूँगी। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे ये कह रहे हो ना, तो ज़रूर आप मेरा अच्छा चाहते हो, क्योंकि गलतियाँ वही हमारी ढूंढते हैं जो हमारे लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, कुछ बेटर चाहते हैं, हमें और अच्छा देखना चाहते हैं, हमें और अच्छा इंप्रूव करना देखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, नाम मुझे नहीं आता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना। लेकिन मैं इससे डीमोटिवेट नहीं हुई हूँ, मैं और ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे व्यूवर्स, मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे इतने अच्छे से देखते हैं। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू, रियली। ये मैं ताना नहीं मार रही हूँ, रियली दिल से कह रही हूँ। फिलहाल देखिए गेहूँ मेरा साफ़ हो गया है, आप सबसे बातें भी हो गई हैं, अब मैं सरसों भी साफ़ करूँगी, तो सारा काम लगा रहेगा। तो आप सब बने रहिएगा, जो न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं थैंक यू सो मच। लेकिन जहाँ भी कमी दिखा करें तो आप लोग प्लीज़ बताया ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप लोग बताओगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। और हाँ, मैंने हमेशा कहा है किसी की बातों का मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानती हूँ, मैं चाहती ही हूँ कि आप कुछ कमियाँ बताओ जिससे मैं और अच्छा करूँ और अच्छा करूँ और अच्छा करूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मेरा मानना है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। अगर हम परफेक्ट नहीं हैं तो हमें दूसरों से सीखना चाहिए ही चाहिए, और जो हमारी कमियां निकाले ना उनसे तो और ज़रूर सीखना चाहिए कि अच्छा शायद कुछ ना कुछ कमी होगी, तब तो कोई हमारी कमी निकाल रहा है ना। तो खुद को अगर अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो हमेशा अपनी आलोचना सुनो और अच्छा करने की कोशिश करो मेरे हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स? और एक सिस्टर और हैं, कह रहे थे कि दोस्त के बारे में आप हमें बहुत कुछ सिस्टर ना बताइए, क्योंकि हम गूगल में जाके सर्च कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही कहा डियर तुमने, गूगल में हम बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं, लेकिन गूगल में हम एक दोस्त अच्छा सा नहीं सर्च कर सकते, गूगल में हम एक अच्छा सा फ्रेंड नहीं सर्च कर सकते, भाई अच्छा सा नहीं मिल सकता गूगल में, मतलब रिश्ते हमें नहीं मिल सकते डियर गूगल में। गूगल में हम केवल जानकारी पा सकते हैं, इंसान नहीं पा सकते, है ना? तो जो इंसानों से हम सीखते हैं ना, वो शायद दुनिया को कोई गूगल, कोई सर्च इंजन हमें नहीं बता सकता, ना ही सिखा सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। आगे आप सब खुद समझदार हो, लेकिन जो मेरा पॉइंट था ना वो मैंने यहाँ रख दिया है। सो प्लीज़ आप सब मेरी इस थिंकिंग को बताइएगा कि राइट है कि नेगेटिव है, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ राइट ही होगा, मैं अपना मतलब पॉइंट रख रही हूँ बस केवल। तो चलिए फिर बने रहिएगा, मिलती हूँ सब काम वाम करने के बाद, मतलब नहाने धोने के बाद, ठीक है?
और सारा काम करते करते ना देखिए कितनी ज़्यादा धूप हो गई थी। सब साफ वाफ करके फिर मैं नहाई हूँ, नहा के थोड़ा सा नाश्ता किया है मैंने, पूजा किया है, उसके बाद फिर धूप अच्छी सी आ गई है, तब मैं यहाँ गेहूँ फैला रही हूँ, क्योंकि धूप नहीं आती ना तो सूखता नहीं। वैसे इस समय गर्मी है, कहीं भी डाल दो गेहूँ या दाना कुछ भी अच्छे से सूख जाता है। मिर्ची भी मैंने फैलाई है, मुझे मिर्ची को ना कूट के बनाना है चूरन जैसा, एकदम से महीन, मतलब बीज भी उसका ना दिखे, ऐसी मिर्ची मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा ऐसे दाल में सब्जी में अपने से ऊपर से डाल लो, जैसे बच्चे हैं ना तीखा कोई नहीं खाता ज़्यादा, तो मैं मिर्ची ऊपर से डाल लेती हूँ, क्योंकि तीखा मैं थोड़ा सा ज़्यादा खाती हूँ अपने घर में, सबसे ज़्यादा मैं ही तीखा खाती हूँ। अगर सब्ज़ी तीखी नहीं होती ना तो मेरे लिए तो मतलब समझो खाना ख़राब ही है, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे ऐसे मीठा मीठा सा। पहले मीठा बहुत ज़्यादा खाती थी, अभी कुछ मीठा मैंने हल्का, पता नहीं क्यों हैबिट मुझे तीखा खाने की हो गई है, मीठा कम कर दिया है मैंने। खाती मीठा भी खूब हूँ, दो चार दोने मिठाई एक बार में खा लूँगी, ऐसा नहीं कि खाती नहीं हूँ, लेकिन तीखा इतना ज़्यादा पसंद आने लगा है, पता नहीं क्यों, चटपटा सा। तो देखिए गेहूँ भी मैंने फैला दिया है, और इतनी ज़्यादा धूप है ना, सर में अच्छा से पल्लू डाला है मैंने जिससे धूप ना लगे, और इधर सरसों भी डाल दूँगी। सरसों मैंने अच्छे से साफ़ करी है, बट उतने अच्छे से मैं सरसों नहीं साफ़ कर पाती हूँ फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों ये ना ढनंगती रहती है, पता नहीं, जो अच्छी अच्छी सरसों है वो निकल जाती है, और जो वो है ना कचड़ा वो रुका रहता है, बस सरसों फटकना नहीं आता, और सब तो मैं फटक लेती हूँ अच्छे से, लेकिन 101% इसको भी मैं अच्छे से सीखूँगी, अच्छा से अच्छा इसे साफ़ किया करूँगी, क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं है कि हम डेली करें और बने ना, है ना फ्रेंड्स। तो कोशिश जारी रहेगी, जो नहीं बनता उसके लिए कोशिश जारी रहेगी, जो बनता है उसको भी सीखती रहूँगी। और ये देखिए अच्छे से मैंने फैला दिया है, और लंच भी मैंने बना दिया था, बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, अब ये लोग ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग इधर चल रही टीवी, और ये इवनिंग का टाइम है, मैं जा रही हूँ बनाने चाय, और मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग। थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स।